नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। बात करेंगे इन दिनों चेन्नई और आसपास के इलाकों में जिस तरीके बारिश का कहर देखा जा रहा है, आप तस्वीरों के माध्यम से देखे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले भी प्रकृति ऐसे कुछ खेल कर चुकी है। बात करें कश्मीर में तबाही की या उत्तराखंड त्रासदी की, या बात करें जिस तरीके से महाराष्ट्र में 2006 में बाढ़ आई थी, या चक्रवातों की बात करें जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आए दिन आते रहते हैं। जिस तरीके से मौसम बेरुखी कर रहा है, आए दिन गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, मौसम की तीव्रता बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं सब के पीछे मौसम की ग्लोबल वार्मिंग एक कारण है। और जब हम आज चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर, हमारा देश ही नहीं, सारी दुनिया इस विषय के लिए लड़ाई लड़ रही है। और इस समय पेरिस में एक समिट भी चल रही है पर्यावरण के ऊपर, तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं, सबसे पहले हम उनका आपसे ताल्लुक करा देते हैं। जो खास मेहमान हैं हमारे साथ हैं चंद्रभूषण पांडे जी, पर्यावरणविद हैं। और हमारे साथ हैं दूसरे मेहमान डॉक्टर बी आर पांडे जी, वैज्ञानिक हैं। आपका भी स्वागत है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं ये रिपोर्ट। और बैठने न दे तो पीठासीन अधिकारी मजबूर होते हैं, बाध्य होते हैं, और सुरक्षा की बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं होती हर जगह पर। इन्हीं उद्देश्य को जो मैंने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो सोचा कि वास्तव में हम लोग न्याय दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, आशुतोष जी ने लगता है रिपोर्ट दिखाने में कुछ दिक्कत हो रही है। थोड़ी देर में हम रिपोर्ट देखते हैं, पहले हम सवाल ले लेते हैं चंद्रभूषण जी। सबसे पहले सवाल हम आपसे लेते हैं, अगर चेन्नई जैसे हादसे या कश्मीर जैसे हादसे होते हैं, तभी कुछ जलवायु परिवर्तन और उसकी समस्याओं को लेकर चर्चा होती है, क्या कुछ लगता है समस्या कितनी विकराल है? देखिए, कहीं ना कहीं से आज जो है पूरी जीवन शैली चुनौती बन चुकी है सभ्यता के लिए, और मानव जनित जो गतिविधियां हैं ये स्वयं जो है पूरी प्रकृति के लिए और मानव के भविष्य के लिए भी खतरा बन चुकी है। आज जो सवाल आता है, जो जिस विकास में हम आगे बढ़ रहे हैं, टिकाऊ विकास की हम लोग बात करते हैं, और उसमें बात आ रही है कि जो प्राकृतिक संसाधनों को लेकर के जो उपभोग की अनाप शनाप दौड़ हम प्रतिभाग कर रहे हैं उसमें, और कहीं ना कहीं से चाहे पंचभूतों में, चाहे मिट्टी की बात करें, चाहे हवा की बात करें, चाहे जल की बात करें, ये सब के सब खतरे में आ गए हैं। और एक जनरेशन गैप की ओर हम लोग बढ़ गए हैं। वो जनरेशन गैप इन शब्दों में आप समझ सकते हैं कि मेरे पिताजी ने जो प्राकृतिक संसाधन मुझे दिया, जैसी माटी दिया, जैसा पानी दिया, जैसी हवा दिया, क्या मैं वो अपने बच्चों को अंतरित करने जा रहा हूँ? शायद नहीं। अगर हम उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में थोड़ा सा बात कर लें, तो यहाँ लखनऊ में गोमती नदी को अगर हम देखें, तो गोमती नदी जो मुझे मेरे पिताजी ने दिया था, वो गोमती नदी मैं अपने बच्चे को नहीं देने जा रहा हूँ। इसके आसपास के पहाड़ों की अगर हम चर्चा करें, तो सारे पहाड़ खतरे में हैं। उत्तर प्रदेश में जो वनावरण है वो घट के 5% हो चुका है, बड़े बड़े पेड़ कट रहे हैं। गजरिया का जंगल जो लखनऊ के आसपास एकमात्र प्रसिद्ध जंगल था, वो पूरा काट के धराशायी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं से पूरा विकास सवालों पर है, पूरा प्रबंधन सवालों पर है। हम तात्कालिक दृष्टि से काम कर रहे हैं, और ये पूरी की पूरी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उसे उधारी के संसाधनों को हम इस दृष्टि से उपभोग कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि आगे मुझे इस धरती पर बने रहने में कोई रुचि नहीं है, और आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ हम बहुत ही बेदर्दी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं इस बात के साथ अपनी बात अभी कंक्लूड करूंगा कि अभी जो पेरिस में समिट चल रही है, उस समिट में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, जब हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि हमने क्यों नहीं उस समय प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी को रोका, तो हम उनको कहेंगे कि दिक्कतें थी। तो हमसे फिर सवाल करेगी कि क्या दिक्कतें थी, कौन सी समस्या आपके सामने आ गई थी, क्या इससे बड़ी दिक्कत आ गई थी कि मेरा भविष्य जो खतरे में था, मेरा जीवन खतरे में पड़ गया था, इससे भी बड़ी कोई दिक्कत आपके सामने थी? आपका जीवन ही जब सवालों में आ जाए, आपका जो जीवन ही जब खतरे में आ जाए, तो मुझे लगता है सब कुछ छोड़ करके आपको चैतन्य हो जाना चाहिए। आज जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, हमारी धरती खतरे में है, हमारी हवा खतरे में है, हमारे वनावरण खतरे में है, संपूर्ण प्राकृतिक विविधता खतरे में है, इवन सूर्य और आकाश भी खतरे में है, संपूर्ण पंचभूत खतरे में है। और इन परिस्थितियों में इससे बड़ा कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जब आपका जीवन ही अब इन सबके चलते खतरे में पड़ गया है, तो आपको चैतन्य हो जाना चाहिए। और चैतन्य होकर के पेरिस से मुझे लगता है एक संदेश निकलेगा कि कहीं ना कहीं से अपनी इस आगामी भविष्य की पीढ़ी के भविष्य को बचाए रखने के लिए, पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम आपसे पूछेंगे कि ये कार्बन उत्सर्जन को रोकना कितना जरूरी है? तापमान जैसे बढ़ रहा है पृथ्वी का, इसको किस तरीके से लगाम लगाया जा सकता है, कितने इसके दुष्प्रभाव पड़ेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कार्बन उत्सर्जन हो क्यों रहा है। जब विकास की गति होती है, पूरे विश्व में विकास की गति चल रही है,
बहुत सी डेवलप कंट्री हो गई, बहुत सी अभी भी डेवलपिंग कंट्री हैं जैसे इंडिया और चाइना, तो हर एक जगह एनर्जी की आवश्यकता होती है और वो जो है उसका हम पृथ्वी के अवयवों का दोहन कर रहे हैं और जैसा अनाप शनाप दोहन कर रहे हैं उसका कोई नियंत्रित दोहन नहीं है। और उस अनियंत्रित दोहन से ये हो गया है कि जो एनर्जी आपकी पृथ्वी से जो अवयव निकल रहे हैं उसमें मुख्यतः हाइड्रोकार्बन का उपयोग हो रहा है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसमें डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, गैसेस। तो इन चीज़ों के दोहन से जो हम ज्वलनशील चीज़ें पैदा कर रहे हैं उससे हमें कहीं न कहीं जलवायु वातावरण में हम लोग पर्यावरण को दूषित करने में इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं कि कार्बन जो हमारी कार्बन का उत्सर्जन है वो सबसे अधिक हो रहा है, उसी के साथ साथ हाइड्रस है, मीथेन है और भी चीज़ें जितनी इस वातावरण में आ रही हैं, तो उसका एक पृथ्वी के ऊपर 50 किलोमीटर पर अगर देखें तो एक सघन बादल सा जो कि अदृश्य बादल पैदा हो गया है। और आज स्थिति ये हो गई कि उसके कारण हम जो हमारा रेडिएशन, सूर्य की रोशनी जो पृथ्वी पर पड़ती थी और रेडिएट होके चली जाती थी, तो वो फिर रिफ्लेक्ट हो जा रहे और फिर रिफ्लेक्ट होने से उससे स्थिति ये पैदा हो रही कि पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होने लगी। इसका आकलन आज ही हम ये नहीं कह सकते कि आज अनुभव हुआ, आज तो पूरे विश्व में ऐसी परिस्थितियां हो गई कि सारे विश्व के सभी कंट्री इफेक्टेड हो गए। इस वजह से इस पर अब चिंतन चालू हो गया। लेकिन अगर हम इसको पुराने अध्ययन को देखें, हम तो 1956 पर अगर आते हैं, मैरियन किंग हुबर्ड अमेरिका का चीफ जियोलॉजिस्ट था, उसने इस बात को कहा कि पूरा अमेरिका जल रहा है, धुएं पैदा हो रहे हैं, आने वाले 40 साल में ऐसा न हो जाए कि हमारे जो पृथ्वी के अवयव हैं वो समाप्ति की तरफ चलें या एक ऐसा दिन आ जाए कि जितना पैदा कर रहे हैं उतने खर्च करें उसके बाद धीरे धीरे समाप्ति की तरफ। तो उनका इसका असर कहाँ हो रहा है? ये असर जो हो रहा है वो वातावरण में, वातावरण में अगर हो रहा है तो वातावरण के कण कार्बन से हैं जुड़े हुए, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रस, ये सब मिल करके जो आपका इसको प्रदूषण कर रहे हैं, ये हानिकारक जो है हेल्थ के लिए भी है, हानिकारक जो है ये आपके पूरे जलवायु को भी नष्ट कर रहा है। तो जलवायु जो हो रही है ये केवल ये नहीं सीधा कोई असर है, इसका ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट आप देखें क्या हो रहा है कि ग्लेशियर जितने बने थे धीरे धीरे वो सतह जो मोटी परतें पड़ी हुई थी 3000 मीटर तक की, कई जगह नॉर्थ पोल है, साउथ पोल आप देखें, उसमें आर्कटिक से अटलांटिक सी जो केवल सी का मतलब है कि वहाँ केवल बर्फीला चट्टाने पड़े लगातार उसको बढ़ता जा, उससे पानी वो बर्फ पिघल रही है और वो शिलापट अभी आपने जिक्र किया हिमालय का ही, आपने कहा जम्मू कश्मीर की बात ले लीजिए, आपने कहा केदारनाथ की ट्रेजेडी ले लीजिए, या उत्तर प्रदेश में जिस या उत्तर प्रदेश में मौसम का, मैं उस पर छोटा सा एक उदाहरण प्रकाश देना चाहूंगा जिससे अपने आप जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी आम पब्लिक को हो जाएगी। वो है अब आप ऊपर की चट्टाने जब बर्फ है, ग्लेशियर बना हुआ चट्टाने है, नीचे अगर पहाड़ी गर्म हो रही है, उस गर्म पहाड़ी पर धीरे धीरे उसका डिफरेंशियल हीटिंग हो रही है। मान लीजिए -30 डिग्री का आपकी बर्फ है और वो धीरे धीरे डिफरेंशियल में -20 आ गई, अब -20 आ गई तो वो कहीं न कहीं क्रैक आ जाते हैं और पहला बारिश जैसे हुई तो क्रैक अगर है तो पानी जाते ही पूरी चट्टाने धड़ाधड़ गिरना शुरू, जम्मू कश्मीर की है आपकी, यही केदारनाथ ट्रेजेडी की, हम उत्तराखंड में ये नहीं है, हम बिल्कुल इससे एज ए साइंटिस्ट मैं एग्री नहीं करता हूँ कि बादल फट गए और ये हो गया कोई एकदम से, कहीं नहीं इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग ही कारण है। और जो हमारे पेड़ पौधे कटे हैं आप देखिए, उसमें आप देखिए पेड़ पौधों का जलवायु में ये कितना बड़ा परिवर्तन को रोकने में कितना बड़ा योगदान था। जो पेड़ पौधे हैं वो एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता था, वो आप सूर्य की रोशनी कार्बन को डॉक्टर साहब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं अपनी वो रिपोर्ट जो हम प्रसारित नहीं कर पाए थे।
दुनिया इस वक्त जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के उपाय खोजने में जुटी है, लेकिन आम सहमत से किसी सर्वमान्य नतीजे पर पहुंच पाने में अभी कई अहम पड़ाव पार करना बाकी है। पेरिस में इस बात पर मंथन चल रहा है कि किस प्रकार विकास को प्रभावित किए बगैर इस सदी के अंत तक दुनिया के तापमान को औद्योगिकीकरण के पहले के स्तर के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा न बढ़ने दिया जाए। लेकिन विकसित और विकासशील देशों के आपसी हितों के टकराव के चलते किसी कानूनी बाध्यकारी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभी तक सम्मेलन तो बहुत हुए हैं, लेकिन सहमति नहीं बनी है। चिंता इस बात की भी है कि अगर तमाम देशों ने कदम नहीं उठाए तो इस सदी के अंत तक दुनिया का तापमान 4.5 डिग्री तक बढ़ सकता है। दुनिया का तापमान बढ़ने से पीने के पानी और खाद्यान्न उत्पादन में तो कमी हो ही सकती है, साथ ही बाढ़, तूफान, सूखा और गर्म हवाएं चलने की भी घटनाएं बढ़ जाएंगी। इतना ही नहीं, समुद्र के बढ़ते जलस्तर के किनारे बसे शहरों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे दुनिया भर में विस्थापन की समस्या बढ़ गई है। 19वीं सदी के तापमान के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 100 साल में पृथ्वी का औसत तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इस तापमान का 0.6 डिग्री सेल्सियस तो पिछले महज 3 दशकों में ही बढ़ गया है। पिछले कुछ दशकों में समुद्र के जलस्तर में सालाना 3 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि सालाना 4% की रफ्तार से ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की समस्या का सबसे बड़ा कारण ग्रीन हाउस गैसों का अधिक मात्रा में उत्सर्जन है, जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों में सबसे ऊपर चीन है, जबकि दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है। इसके बाद यूरोपीय संघ का नंबर है, फिर भारत और ब्राजील का नाम आता है। सभी देश अपने लिए लक्ष्यों को तय कर रहे हैं, जिसमें भारत भी अपनी भूमिका महत्वपूर्ण तरीके से निभा रहा है। पेरिस सम्मेलन से पहले ही भारत ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 2005 के स्तर के मुकाबले 33-35% कटौती करने का वायदा किया है। इसके साथ ही भारत ने भी कहा है कि 2030 तक कुल बिजली उत्पादन में 40% हिस्सा कार्बन रहित ईंधन से उत्पन्न करेगा। वर्तमान जलवायु परिवर्तन की समस्या विकसित देशों की एक बड़ी देन है, जबकि विकसित देश सभी देशों पर एक समान बाध्यकारी कानून लागू करना चाहते हैं। ऐसे में भारत समेत तमाम विकासशील देश विकसित देशों पर अधिक जिम्मेदारी निभाने का दबाव बना रहे हैं। यही वजह है कि इतने सालों की मशक्कत के बाद भी कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आए हैं। तो पांडे जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे, जब कभी आम सहमति की बात होती है तो कहीं ना कहीं विकसित देश और विकासशील देशों के बीच बात आके अटक जाती है, ऐसा क्या कारण है? देखिए, बेसिकली आप देखेंगे कि आज जो चुनौतियां पर्यावरण की आपके सामने हैं, जो तापमान बढ़ रहा है और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 21वीं सदी के लास्ट आते आते तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाएगा अगर हम जीवन शैली नहीं बदलेंगे। ये जीवन शैली बिगड़ी किसकी है? आप बताइए, अमेरिका की आबादी कितनी है? मात्र 30 करोड़ आबादी में उनकी हिस्सेदारी कितनी है कार्बन उत्सर्जन सीएसजी में? उनकी हिस्सेदारी 13% की है। चीन तो ठीक है, बड़ा देश है, उसकी बात समझ में आती है। यूरोपियन यूनियन की आबादी कितनी है? करीब 35 करोड़ पूरे यूनियन की। उनकी हिस्सेदारी कितनी है? 10%। तो आप सोचिए कि ये जो है 60 करोड़ की आबादी 1/4 कार्बन और ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित कर रही है। इन्होंने क्या किया है, पिछले 100 सालों में प्राकृतिक संसाधनों का अनाप शनाप विदोहन किया, उनकी पूरी जीवन शैली बिगड़ गई है। अब वो करते क्या है, विषयांतर की कोशिश करते हैं, जवाबदेही से भागते हैं। आप क्योटो प्रोटोकॉल की बात करिए, 1997 में प्रोटोकॉल बात होती है और आगे चल करके नाटक करते रहे। अंत में अमेरिका कहा कि हम नहीं करेंगे, बाहर हो गया, फिर कनाडा भी बाहर हो गया। विकसित देशों का कहना यह है कि हम जो जीवन शैली जी रहे हैं हम उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि आगे जो विकासशील देश हैं वो अपनी जीवन शैली सही कर लें और आगे समस्याओं में उनकी भागीदारी। 300 मिलियन लोग ऐसे हैं जो आज भी बिजली नहीं पाए हैं पूरे संसार में। अब उनकी भी बारी है, विकासशील देशों की भी बारी है। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात रखी, नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि अभी जो कोल माइंस है, जो कोल्स है, तो वो कोल जो है, देखिए ये जो है कम लागत का ऊर्जा संसाधन है। उन्होंने कहा विकासशील देशों को छोड़ दे, विकसित देश, और जो महंगी टेक्नोलॉजी है, सोलर टेक्नोलॉजी और एटॉमिक टेक्नोलॉजी, उसको एडाप्ट करें। तो एक तो ये सुझाव आया, दूसरा जो है ये आया कि भाई आप पैसा तो दीजिए, कम से कम आप पैसा के मामले में क्यों कंजूसी कर रहे हैं। अभी जो है जो बातें उभर के आ रही है, ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात आ रही है, तो $100 बिलियन का फंड बन रहा है, वो भी 2020 में उसके आगे। उसमें तो मिला जुला के आज जो चुनौतियां हैं, विकसित देश पैसा देने से भी भाग रहे हैं, विकसित देश अपनी जीवन शैली में भी डाउन साइज करने को तैयार नहीं है, वो मिला जुला के विषयांतर की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारत और चीन और ब्राजील के नेतृत्व में पिछले सम्मेलनों में काफी दमदारी से विकासशील देशों ने अपनी बात रखी थी, लेकिन अब की बार एक बड़ा उल्टा हो गया। चीन जाकर के अमेरिका से मिल गया और अभी स्वयं पूरे विश्व में भारत अकेला है जो विकासशील देशों की लड़ाई लड़ रहा है। मुझे खुशी है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कर्क और मकर रेखा के बीच के 136 देशों का एक संगठन खड़ा कर लिया है और इस संगठन के कमिटमेंट के साथ आया है कि हम सोलर एनर्जी पर फोकस करेंगे और भारत ने अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की है कि 2030 तक हम जो कुल एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें 40% भागीदारी हमारी सोलर और तमाम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की होगी।
लेकिन आज विकासशील देशों की जरूरत है कि वो संगठित होकर भारत के नेतृत्व में खड़े हों और विकसित देशों से तीन चीजें उनको मांगनी है। एक तो जितने भी कार्बन उत्सर्जन के स्रोत है उसको तो डाउनसाइज करें ही, शेष जो कोल माइंस पे उसमें उनका अधिकार। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व में केवल 68 देशों के पास कोयला है, शेष देशों के पास कोई कोयला नहीं। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी कही कि हमारे पास एक 30 करोड़ के ऊपर की आबादी है जो बिजली से दूर है, मरुभूमि में बिजली, बड़ी बात है, उनके लिए बिजली मिलनी चाहिए। तो आज जो सारी चुनौतियां हैं इसमें है कि विकासशील देश के ऊपर फोकस कर रहा है विकसित देश, और सारी समस्या धान का के फसल अवशेष जलाया जाना या धान की खेती, या कई बार हमारे गायों और गोवंश की भी चर्चा आकर के विषयांतर की कोशिश होती है, लेकिन आज हमको कहीं ना कहीं से विकसित देशों के ऊपर संगठित होकर दबाव बनाना है, उनको मुआवजे के लिए आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे जिस तरीके से विकसित देश तो आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी हैं। कहीं ना कहीं इसमें सामंजस्य बनाने की जरूरत है, क्योंकि जैसे विकास होगा पेड़ कटेंगे, जलवायु उद्योग लगेंगे, उससे कार्बन उत्सर्जन होगा और प्रकृति में ऐसे बदलाव आएंगे, तो कैसे संतुलन बनाया जा सकता है इन सब चीज़ों का? देखिए, तीन चीज़ें मुख्य होती हैं। एक तो एनवायरनमेंट, एक इकोनॉमी है, एक सोशल इफेक्ट। तो सोशल काज जो होता है वो सोशल काज के कारण ही सारी चीज़ें, इकोनॉमी भी उसको ध्यान रखा जाता है। चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैदा करेंगे, डेवलपिंग कंट्री क्या है, वो अपने को उस रफ्तार में आगे लाना चाहती है और विश्व के स्तर पर अपनी एक छाप बनाना चाहती है, और विकसित देश जो हैं, जो विकास कर चुके हैं, वो अपने को नीचे नहीं उतारना चाहते हैं। तो ये सामंजस्य जो तीन चीज़ों का अगर इक्वल नहीं, बैलेंस नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है। अब रह गया कि विकासशील देश को अगर स्पेस नहीं मिलेगा एनर्जी को ज़्यादा उपयोग करने का, जिसे कहते हैं कार्बन स्पेस, और विकसित जो देश हैं वो अगर उसमें कहीं ना कहीं दूसरी पहलू को नहीं जोड़ेंगे और उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, जैसा अभी पांडे जी ने कहा कि ये अमेरिका तो 36% पूरे विश्व की एनर्जी का उपयोग कर रहा है, जबकि उसके 32 करोड़ ही आबादी है जी, और हमारी करीब 187 करोड़ हो चुकी है, 127-25 से 127 आज की डेट का आंकड़ा मैं लिया हूँ, और 137 आपकी चाइना की है। तो अगर हम ये देखें तो कार्बन उत्सर्जन नो डाउट आपका चाइना का 6,300 से के करीब है, अमेरिका दूसरे 6,001 से, लेकिन वो उसका 32 करोड़ के सापेक्ष में वो जो है 6,001 से है, और इंडिया तो 1,600 से के करीब अभी पहुंच रहा है। तो अगर इन चीज़ों को सामंजस्य देखा जाए तो इनको विकसित देशों को कहीं न कहीं अपने पर लगाम लगानी पड़ेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि दो ही इशू हैं जो कि आपके क्लाइमेट चेंज है या टेररिज्म है, दो पर फोकस करना चाहिए। इंडिया जैसे कंट्री में 30 करोड़ अगर आबादी हमारी अभी महरूम है एनर्जी से, पावर से, तो उसके लिए सोलर एनर्जी। अमेरिका जैसे कंट्री में विंड 4 से गुना, उनकी रिक्वायरमेंट का 4 से गुना विंड है, डेनमार्क में विंड है, वो लोग विंड पर क्यों नहीं जाते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। ये तो हमने अमेरिका में जा करके इस पर एक लेक्चर हुआ था कॉन्फ्रेंस में, मैंने बताया कि आप इस धर ध्यान दीजिए, पूरे विश्व को बैलेंस करना पड़ेगा। अर्थ हमारी पृथ्वी, हमारी भारतीयता एरी पृथ्वी माता का स्वरूप मानी जाती है, इसमें से अगर सब चीजें दोहन कर लें तो उसको नष्ट करने की लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है इन सब चीजों के कारण। पांडे जी, अब हम आपसे पूछेंगे, जिस तरीके से आपको नहीं लगता है कि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट का भी फेलियर होता है आए दिन, जिस तरीके से होती रहती है, इसके साथ ही कहीं ना कहीं मानव जात भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करती है, कहीं ना कहीं लगातार दोहन कर रही है प्रकृति का। भले नदी किनारे देखे जाए, ढेर सारे निर्माण करा लिए हैं, और वही निर्माण जब कभी प्रकृति विकराल रूप लेती है तो बड़ी तबाही होती है। तो इस पे कैसे काबू पाया जा सकता है? अभी जैसे हम लोग केदारनाथ की त्रासदी, जम्मू कश्मीर की त्रासदी और चेन्नई में जो त्रासदी हुई, इसको आलोक में रखते हुए अगर बात करते हैं, मैं चेन्नई पर आता हूँ। चेन्नई में क्या हुआ, आप देखेंगे कि जो कवर्ड एरिया है, ओपन एरिया है, इसका रेशियो सिकुड़ता चला जा रहा है। चारों ओर बिल्डिंग खड़ी हो गई, नंबर एक। नंबर दो, जो बिल्डिंग खड़ी हो गई उसके आगे जो भी सड़क है, पार्क है, मैदान है, सब पक्के हो गए। नंबर तीन, जो भी ड्रेनेज चैनल्स है वो सिकुड़ती चली गई। नंबर चार, जो पानी उबह करके जाना था तालाबों में, झीलों में, रिजर्वायर्स में, उसमें कब्जे हो गए। नंबर पांच, आपदा का कोई भी प्रबंधन नहीं। आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी वहां सोती रही,
मतलब तमिलनाडु में चेन्नई में जो कुछ हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अमूमन हम लोग मानते हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्थाएं उत्तर भारत से बेहतर है, लेकिन चेन्नई में जो कुछ हुआ बड़ा दुखद रहा। अगर प्रधानमंत्री जी इतनी तत्परता से कार्रवाई न करते तो चेन्नई में बड़ी तबाही हो जाती। वो तो भारत सरकार और हम गृह मंत्रालय को मानेंगे कि कहीं ना कहीं एनडीआरएफ का काम बड़ा सराहनीय रहा, बहुत ही शीघ्र काम किया। आज मैनेजमेंट फेल्यूर चारों ओर दिखता है। और दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो है कहीं ना कहीं इको लिटरेसी का। हमें समझना होगा कि हमारे जो पंचभूत हैं, पृथ्वी है, चाहे पानी है, चाहे हवा है, चाहे आपका सोलर सिस्टम है, इवन आपको जानकर आश्चर्य होगा आकाश में बड़ी गंदगियां हो गई हैं। अभी पंचभूतों पे एक सेमिनार भोपाल में थी, वहां ये विषय आया। वंदना शिवा ने बहुत अच्छे तरीके से बात रखी कि हमारे आकाश में ढेर सारे उपग्रह और तमाम ऐसे खोजी यंत्र जा रहे हैं, उनके अवशेष वहीं फेंके जा रहे हैं, आकाश भी दूषित हो गया। अभी लोग नहीं समझ रहे कि आकाश सुरक्षित नहीं है आज की डेट में। तो आज कहीं ना कहीं आपके सामने चुनौतियां गंभीर है, इको लिटरेसी की जरूरत है। लोगों को समझना होगा कि धरती अगर रहेगी तो हम रहेंगे। एक चीज समझ लेना होगा कि प्रकृति को इंसान की कोई जरूरत नहीं है और इंसान को प्रकृति की जरूरत हमेशा है। 84 लाख योनियों में से 83,99,999 को बचाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है तुलना में एक इंसान को। आज इंसान ने तय कर लिया कि उसको बचे रहना है और 83,99,999 को कोई महत्व नहीं दे रहा। आज स्थिति यह है कि आपके बायोडायवर्सिटी में इस सदी में पिछले 30 सालों में 30% तमाम हमारे फ्लोरा और फौना नष्ट हो चुके हैं। और ट्रॉपिकल कंट्री इंडिया ब्राजील जैसे देशों में वो घटोतरी 60% हुई है। हमारे पक्षी खत्म हो रहे हैं, हमारे तमाम जीव खत्म हो रहे हैं। वो या तो पानी के भाव में खत्म हो रहे हैं, या भोजन के भाव में खत्म हो रहे हैं, या घर के भाव में खत्म हो रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आज आए दिनों शेर बाघ तेतुए कभी जयपुर में मिलता है, कभी शिमला में मिलता है, कभी लखनऊ में आता है। क्या है वो लखनऊ में चाट खाने आता है, मोती महल में क्या वो नाश्ता करने आता है? नहीं, वो या तो भोजन की तलाश में है, या पानी की तलाश में है, या घर की तलाश में है। बहुत दुखद तस्वीर है। कहीं ना कहीं से हम लोगों को आगे आना पड़ेगा और इसके लिए समाज को आगे आना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जिस तरीके हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जिस तरीके से हाल फिलहाल घटनाएं हुई हैं, चाहे वो अतिवृष्टि की हुई हो, सूखे की हुई हो, लगातार मौसम में बदलाव बने रहते हैं। क्या लगता है राज्यवार कुछ ऐसी नीति बननी चाहिए? क्योंकि अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो हर राज्य की अपनी नीति होनी चाहिए जलवायु परिवर्तन को लेकर, उसके संरक्षण को लेकर। हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने उठाया है और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सभी राज्य की भिन्न भिन्न नीति होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगा, इस पर आ जाता हूँ फिर उत्तर प्रदेश पर, कि पूरे विश्व में ये अगर देखा जाए तो कोस्टल एरिया जो समुद्री सतहें बढ़ रही, जो कि बर्फ के पिघलने से, जो आर्कटिक सी और इनसे पिघलने से बर्फ की सतह में जो चेंजेज आ रहे हैं पर ईयर का, जो आपका 20 मिलीमीटर का हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है? बीच में तो समुद्र की सतहें ऊंची हो जाती हैं तो चंद्रमा के उससे, लेकिन किनारे जब बढ़ रहा है तो हमारा तो 3 साइड से कोस्टल एरिया है और 3 साइड से होने के भौगोलिक बहुत से परिवर्तन ऐसे हो रहे हैं जिससे अतिवृष्टि की स्थिति आ गई है। कभी फैली नीलोफर हुआ तो कभी अब चेन्नई की हालत देख लिए, बॉम्बे की हालत देख लिए है। और हमारा जो उत्तर प्रदेश और बिहार है, ये आप ऐसा महसूस करते हैं कि बर्फ ऊपर पड़ रही है, वहाँ जम्मू कश्मीर में, आपके नैनीताल में, आपके मशहूरी में, और आनंद उठा रहे हैं लखनऊ में और राजस्थान में या दिल्ली में। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है क्योंकि बर्फ वहाँ चिपकती नहीं, गर्म चीज पर बर्फ पड़ेगी तो नहीं चिपकेगी। मैंने पहले बताया डिफरेंशियल टेम्परेचर, तो आज का मतलब है कि हम किधर बढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर सूखे के कगार में बिहार, और ये हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बता रहे हैं, और उत्तर प्रदेश आने वाला है क्योंकि अगर ग्लेशियर की सतह काफ़ी नीचे हो जाएगी तो हमें जलवायु, जो हमें बंगाल की खाड़ी से मानसून आ रहा है, वो सब खत्म हो गए, अब नहीं रह गए। अब किताबों में अगर हम देखें, हमने 2-3 किताबें लिखी हैं, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज की तरफ से प्रचार भी कर रहे हैं पूरे लखनऊ और उत्तरी प्रदेश में, कि सबको जानकारी होनी चाहिए कि जलवायु परिवर्तन हो क्यों रहा, इसमें क्या क्या योगदान करना चाहिए, कैसे इसको रोका जाए। हम विश्व स्तर पर भी बता रहे हैं, अमेरिका जैसे कंट्री को हमने बताया कि भाई आने वाले उसमें 2040 में अगर नाम मात्र की अगर वहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर रह जाएगा तो ये स्थिति पैदा हो जाएगी, सारे का सारा आप तो ग्लेशियर में आ जाएंगे, न्यूयॉर्क डूब जाएगा, यह ब्रिटेन डूब जाएगा, और स्थिति पैदा हो गई क्योंकि हमारी किताब तो 2013 में छपी हुई है, तो 2 साल में यही स्थिति आ गई। यही स्थिति हमने अब इंडिया के लिए लिखा है, इंडिया में यही स्थिति पैदा हो रही है कि तीनों साइड से होने से वो समय स्थिति बिगड़ रही है। हम पिछले एक सप्ताह से देख रहे हैं, जो डेली रिपोर्ट आ रही है उनमें देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित जिलों में उत्तर प्रदेश के 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट डेली रह रहे हैं। जी जी, ऐसी जो है कह रहे हैं विचित्र स्थिति बन चुकी है। अब इसमें स्थिति लखनऊ की स्थिति ऐसी हो गई,
कि ये शहर 29वें में विश्व का पहुंच गया है। बिल्कुल। तीसरा आपका हो गया न्यू दिल्ली, तो इसमें तो हमें प्लांट लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, बिजली का उपयोग एलईडी या उससे करना चाहिए, कहीं न कहीं एनर्जी को हमें खपत, सोलर एनर्जी जैसे हमारे मोदी जी का अभियान है, भी बनाया है अभी, उसको सोलर एनर्जी देशों का अलायंस बनाया है सोलर एनर्जी को लेकर, और ये हम 10 चीजें लेकर के हमने एक अभियान स्वरूप इसको उत्तर प्रदेश में चला लिया है, और इसको चलाने की आवश्यकता, चाहे जिस संस्था से जुड़े हों, चाहे हम जैसे हम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस से जुड़े हैं, मैं वहां से लेकर के सभी बच्चों को लगा रहा हूँ, लेकिन सब जगह आप है एनजीओ से है, सबको लग करके इसमें लग डट करके ऐसा काम करना चाहिए कि धरती को बचाओ और जीवन को बचाओ, ये लक्ष्य लेकर के हम आगे बढ़े। आम आदमी की भागीदारी किस तरीके से कर सकता है प्रकृति को बचाने में? निश्चित रूप से हमें अपने पाठ्यक्रमों का बदलाव करना होगा, और प्राथमिक शिक्षा से ही पर्यावरण के विभिन्न घटकों पंचभूतों की चर्चा होनी चाहिए। दूसरा, जो भी संगठन स्कूल विद्यालय से हट करके सामाजिक संगठन है, सरकारी कर्मचारियों का संगठन, कुछ नए कानूनों की जरूरत होगी, इसके साथ कानूनों में भी प्रासंगिक बदलाव की जरूरत है, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। निश्चित ये देखिए, कानूनी बदलाव और आपके जो विद्यालयों में शैक्षिक पाठ्यक्रमों का बदलाव, कहीं ना कहीं से हमें ये देखना है कि हम अगर एक बच्चे को तैयार कर लेते हैं तो आगे 40-50 सालों के लिए एक मानव संसाधन मिलता है जो देश के लिए काम करता है, इस तरह से इको लिटरेसी एक बड़ा काम। जी बिल्कुल, लगातार इस पे प्रयास करने चाहिए, भारत ही नहीं समूची दुनिया को प्रयास करने चाहिए। आज हमारे पास चर्चा में बस इतना ही समय है, आप सब मेहमानों का धन्यवाद। तो बिल्कुल, पर्यावरण के लिए सभी लोगों को प्रयासरत रहना चाहिए, साथ ही साथ विकास विकसित देशों को भी विकासशील देशों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, और पर्यावरण के लिए संरक्षण बहुत जरूरी है, जब प्रकृति रहेगी तभी मानव रहेगा, इस बात को सभी को ध्यान में रखना चाहिए। आज की चर्चा में बस इतना ही, नमस्कार।